हेलो गाइस, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत ही लंबे समय के बाद आपको मैं वीडियो ये देने जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मध्यकालीन इतिहास के और इतिहास के सभी पोर्शन के वीडियो रोज या एक दो दिन के अंतराल पर मिलते रहें। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इतिहास को बहुत ही अच्छे से कवर करें, और मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ कि इतिहास के प्रति बहुत सारे लोगों का प्रेम जो है वो बहुत ही कम रहता है, नगण्य रहता है। तो इतिहास के प्रति सभी बंधुओं का प्रेम बनाने के लिए हम लोग इतिहास का जो पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास, आप जानते हैं कि इतिहास को तीन पार्टों में पढ़ा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो मैं चाहता हूँ कि इतिहास के प्रति आपका प्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा जाए, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं। तो आप पहले इन कहानियों को समझेंगे तो आपका इतिहास के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता जाएगा, और आपको इतिहास बहुत ही आसान तरीके से समझ में आता चला जाएगा। तो यही मेरी कोशिश रहेगी। और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे मिल करके एक इसका मैटर देखा जाए कि कैसे कैसे हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में संघर्ष के युग को, यानी संघर्ष का युग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में भारत में क्या क्या बदलाव हुए, भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में पहले पढ़ा जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अरबों का भारत पर आक्रमण, है ना, अरबों का भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी से पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे। उसी समय आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध प्रांत पर। उसकी कहानी पढ़ी जाएगी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया था, और उनकी पत्नी ने, राजा दाहिर की पत्नी ने कैसे खुद को, अपने आप को आग में उन्होंने जलाया था, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, क्योंकि आपको पता है कि मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम तो एक अरब था, परंतु उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्कों में हम लोग पहले पढ़ेंगे महमूद गजनवी को। आप जानते हैं कि 1021 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। इसने तराइन का युद्ध लड़ा है, तो तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ लिया जाएगा, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे लेक्चर, तो आप कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत पर हम लोग पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश को, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब भारत छोड़कर जाता है तो वह अपने गुलाम कुतुबद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था वो देकर चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश बसा देता है जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश पढ़ लिया जाएगा। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं, और इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ था खिलजी वंश का। इसके कुल 5 शासक हुए हैं 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, इनको पढ़ा जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा तुगलक वंश का, इसमें कुल 9 शासक हुए हैं, 9 शासक में 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, इन लोगों को पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर आएगा सैयद वंश का, इसमें कुल 4 शासक हुए हैं 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद अंत में पढ़ा जाएगा लोधी वंश को, इसके कुल 3 शासक हैं 1451 ईस्वी से 1526 तक, यहाँ पर दोस्तों रहेगा, है ना, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 1526 तक आपको कर लेना है, 1526 तक, है ना, 1526 तक हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश को। अंत में इब्राहिम लोधी को बाबर मार देता है ना, पानीपत के युद्ध में, तो वही 1526, लोधी वंश का अंतिम समय है 1526। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इन सभी पार्ट को आप आगे भविष्य में देखेंगे हमारे चैनल पे, और बहुत ही सुव्यवस्थित मैं ऐसा वीडियो दोस्तों आपको देने वाला हूँ कि बिल्कुल आप उसको समझेंगे, पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट को एक बार देखेंगे तो आपका पूरा मैटर तैयार हो जाएगा।
तो ठीक है, सिलेबस में आगे देखते हैं। जब दिल्ली सल्तनत पूरा कवर कर लिया जाएगा पांचों वंशों के बारे में, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर ये वंश खत्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की स्थिति क्या थी, इसको समझा जाएगा। इसी में केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, स्थानीय प्रशासन हम लोग पढ़ लेंगे, आर्थिक और सामाजिक जीवन पढ़ लेंगे, व्यापार, उद्योग और व्यापारियों के बारे में पढ़ा जाएगा, और उसके बाद राज्य का स्वरूप पढ़ा जाएगा कि उस समय इस दिल्ली की स्थिति कैसी थी, है ना। दिल्ली कैसा था, दिल्ली में क्या राज्य व्यवस्था चलती थी, इस मैटर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और मैं बता दूं कि वर्तमान के कोई भी एग्जाम हो रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या छोटे एग्जामों को ग्रुप डी के एग्जाम देख लीजिए, तो अब जो मॉडर्न क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संस्कृति से बन रहे हैं। भारतीय संस्कृति में कि प्राचीन काल में या मध्य काल में भारत का स्थिति कैसा था, ऐसे प्रश्न वहां से ज्यादा बनते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, है ना। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, पांचों वंशों का पतन होने के बाद कुछ प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ था 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। जैसे पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य, हरियर एवं बुक्का के बारे में सुना होगा दोस्तों, उनको पढ़ा जाएगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का है, आप जानते हैं। उसके बाद बहमनी साम्राज्य भी सुने होंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, इन सभी प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ से बहुत ही क्रिटिकल एक नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बन जाते हैं और हम लोग उसका आंसर नहीं दे पाते, लेकिन मैं बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बहुत ही धीरे धीरे ये सब पॉइंट आपको पढ़ाता चलूंगा, बहुत ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सूफी और भक्ति आंदोलन। अगर आप देखते हैं यूपी टेट का एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो वहां पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सूफी आंदोलन में हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, सूफी आंदोलन को सबसे पहले, इसमें चिश्ती आंदोलन, सुहरावर्दी आंदोलन, सत्तारी सिलसिला पढ़ा जाएगा, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसिया सिलसिला। फिर भक्ति आंदोलन में है अलवार शाखा, नैनार शाखा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सुंदर तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा दोस्तों मुगल साम्राज्य का। मुगल में सबसे पहले हम लोग संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 1530 मात्र 4 वर्षों का इसका शासनकाल रहेगा, बहुत ही जल्दी निपट जाएगा भारत में, लेकिन मुगल वंश की स्थापना करके जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद हुमायूं को पढ़ा जाएगा, दूसरे नंबर का शासक, 1530 से 1540 ईस्वी तक। उसके बाद दोस्तों बीच में हुमायूं को भारत से भगा देगा शेरशाह सूरी, और 1540 से 1545 तक भारत में दिल्ली की सल्तनत पर शेरशाह सूरी का शासनकाल रहेगा। उसके बाद फिर अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी तक, इसको पढ़ लिया जाएगा। फिर जहांगीर, बचपन का नाम सलीम आप जानते हैं, 1605 से 1627। फिर शाहजहां, बचपन का नाम खुर्रम, 1627 से 1658 ईस्वी तक। लास्ट में पढ़ा जाएगा औरंगजेब को, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था, इतना खूंखार था, इतना खतरनाक था कि इसको जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों। 1658 से 1707 ईस्वी तक इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का, मतलब वे मुगल शासक जो कमजोर थे, है ना, उनके बारे में पढ़ा जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है बहादुर शाह प्रथम का, 1707 से 1712 ईस्वी तक इसने अपना शासन चलाया है। उसके बाद जहांदार शाह को पढ़ा जाएगा, जहांदार शाह का शासनकाल रहेगा 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक, मात्र 1 साल का शासनकाल है, बहुत ही जल्दी निपट जाएगा ये। उसके बाद फर्रुखसियर को पढ़ लेंगे 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद शाह को पढ़ा जाएगा दोस्तों 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक, बहुत ही लंबा शासन ये चलाया है। उसके बाद अहमद शाह को पढ़ा जाएगा 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। उसके बाद दोस्तों पढ़ा जाएगा आलमगीर द्वितीय को 1754 से 1759 ईस्वी तक। उसके बाद पढ़ा जाएगा शाह आलम द्वितीय को 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। उसके बाद नंबर आएगा अकबर द्वितीय का, जी हाँ दोस्तों अकबर द्वितीय भी था उत्तरवर्ती मुगल शासक में, इसको पढ़ा जाएगा
अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है। बहुत ही विस्तृत इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय का, 1837 से 1862, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि 1857 तक ही रहेगा। 1857 में क्रांति होने के बाद ये रंगून चला गया था यहाँ से। रंगून चला नहीं गया था, अंग्रेजों ने इसको रंगून में कैद कर दिया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। 1862 में इसकी मृत्यु वहीं पर हो गई है, तो इसको विस्तृत पढ़ा जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां पढ़ने के लिए, यानी मुगलों ने भारत में स्थापत्य कला में क्या काम किए, चित्रकला में उन्होंने क्या काम किए, भाषा और साहित्य कैसा था मुगल काल के दौरान, मुगल कालीन संगीत फिर पढ़ लिया जाएगा, और फिर पढ़ा जाएगा अंत में मराठों के उदय के बारे में, 1627 से 1818। इसी में मराठा काल को बहुत ही विस्तृत तरीके से देखा जाएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है, ताकि हम लोग पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। ये तो केवल और केवल सिलेबस है जो आपको समझ में आएगा कि हमारे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अगला पार्ट जो मिलेगा, तो भारत पर अरबों के आक्रमण से हम लोग कहानी अपनी पहले शुरू करेंगे कि भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, उसकी कहानी को सबसे पहले पढ़ेंगे, और बहुत ही विस्तृत चर्चा होगी, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और एक और मैं बात बता दूं, अब रोज शाम को 7 बजे आपको जनरल अवेयरनेस की ऑनलाइन क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, और बहुत ही क्वेश्चन का कलेक्शन जबरदस्त होने वाला है। तो रोज शाम को 7 बजे आपको ऑनलाइन भी पढ़ने आना है, और ये ऑफलाइन वीडियो आपको हर 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद मिलती जाएंगी। आपको इनको धीरे धीरे तैयार कर लेना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है। मैं बता दूं कि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप, मैं जो पढ़ाता जाऊंगा, आप अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ज़्यादा लिखने की झंझट आपको नहीं रहेगी, लिखा लिखाया पूरा मैटर मिल जाएगा। और अगर आप कहते हो कि पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोज आपको पीडीएफ मिलेगा जैसी आपकी डिमांड रहेगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों से बोल बोल कर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक भी करवाते चलिए, ताकि चैनल थोड़ा ग्रोथ करेगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। मुझे आप मोटिवेट करिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताया करिए, मैं सभी का एक एक मैसेज बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू सो मच।